तौबा तौबा, हाथ उठाइए और इस सत्य जल में डाल दीजिए। हे पवित्र और सच्ची आसमानी शक्तियों, अपनी असीम शक्तियों से इस पवित्र सत्य जल को जागृत करो, अपना वरदान दो इस जल में। लेकिन भयंकर परी हमसे बचकर भागने में कामयाब हो गई है, और साथ ही साथ वो पवनडन परी का जादुई तन भी अपने साथ ले गए रानी परी। अब क्या होगा? अब चिंता मत करो परियो, भयंकर परी अपने जादुई दंत के बिना हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगी। आज बुराई का एक सितारा तो डूब चुका है और दूसरे को भी जल्द उसके सही स्थान पर पहुंचा देंगे। बालवीर, हमने मानव के घाव तो भर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब मानव को पृथ्वी लोक नहीं बल्कि परी लोक ले चले, क्योंकि मानव अभी भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सही कह रही है रानी परी, लेकिन मानव को पृथ्वी लोक में ले जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ इसे अपने चरणों में देखकर। बालवीर, ये तुमने क्या किया? बालवीर, बालवीर, आज आपने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। चुप क्यों हो बालवीर? बोलो बोलो और तारीफ करो मेरी, बोलो कि सच्चाई पर बुराई की जीत हुई। नहीं भयंकर परी, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी। इतनी सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है, इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। क्या बना रखा है? मौत से बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मैंने। पर अभी आपने मुझे इसे जोखिम भरे जगह पे क्यों भेजा? सीधा सीधा बताओ तो बताओ क्या हुआ वरना। हाँ, बताता हूँ। हाँ, राजा, दरअसल बात ये है, आजकल धरती लोक पर एक खतरनाक विषाणु फैला हुआ है, इसका नाम है कोबोना। और उसके बाद उनजासे उस परियों के सामने हम ऐसा झूठा नाटक रचेंगे जिससे उन परियों को ये लगेगा कि भार्गव मेरा चुना हुआ बुरा बच्चा है, और वही भार्गव बालवीर से सारी शक्तियां छीनकर खुद बालवीर बनेगा, और फिर तौबा तौबा तुम मैं बालवीर के पास जाओगे और उसे भार्गव की याद दिलाकर लाल रूप बदलू गोली खिलाओगे। भार्गव को पत्थर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इससे पहले हम भार्गव की सारी शक्तियां उससे छीन लेंगे। लेकिन रानी परी, उसकी शक्तियां छीनने की क्या जरूरत है? हम सीधे सीधे शस्त्र के वार से उसे पत्थर बना देंगे। नहीं विजदार परी, सबसे पहले भार्गव की शक्तियां छीननी ही होगी क्योंकि भविष्य में हमें उन शक्तियों की आवश्यकता पड़ सकती है। एक बार हमें बालवीर वापस मिल जाए
फिर वो सारी शक्तियाँ हम उसे लौटा देंगे। लेकिन बालपरी, भार्गव ने बालवीर को कहाँ कैद करके रखा है ये केवल भार्गव ही बता सकता है। अगर हम भार्गव को ये पत्थर बना देंगे तो हमें बालवीर का पता कैसे चलेगा? इस बात की चिंता हमें भी है भटकाती परी, लेकिन परियों, इस समय बालवीर का पता जानने से ज्यादा जरूरी है पृथ्वीलोक के बच्चों की सुरक्षा। और पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा करने के लिए हमें भार्गव को पत्थर बनाना ही होगा।